अगर नीचे जाना पड़ेगा को कवर कर रहे हैं फोटोग्राफर दादा पीछे थोड़ा आसिम इधर आना यार। अरे आसिम भाई क्या यार अरे देखा पीछे हो जाए मुझे पूरा प्रॉपर for entertainment, dining, shopping. We have over 600 premium and high street brands, both Indian and international. And with its fusion and fashion, food, fun, culture, ambience. What do you use this beautiful occasion? Because it deserves a long celebration. So every year, through the entire month of March, Phoenix Smart City proudly hosts Power Women Fiesta. This mega celebration is now on its 9th edition and has grown from strength to strength. This year's theme, unapologetically, you, encourages women to their unhealthy, authentic selves to host
क्या क्या संतोष ये आसिम इधर आ जाओ भाई Thank you so much for the invite.
आगे बुला लो ना, इसके लाइक आएगा। आगे बुला लो। Thank you so much. Okay, wonderful. Excited. Thank you. Thank you. Let's look here. One more. Thank you, sir. And Phoenix Mount City Kula has always been a champion of women's empowerment. And today we unveil an artistic installation, hashtag Wear What Matters, building on the theme of women's community and empowerment, inviting women to express what truly matters to them in terms of self. Look at them. Look at them. The theme of our campaign is to encourage women to embrace their individuality and not wear themselves based on external elements of perfection. We hope the campaign, hashtag Wear What Matters, is a heartwarming reminder that life is about women living as well. Happiness that we need to take the women's to church. Oh, you're happy about it.
बैठो नीचे लुक 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 Tireless, never ending, 24/7, show.
Thank you.
हाँ थोड़ा पीछे हो। अरे वाह नीचे बैठ जाना। हाँ बात बात लुक सेंटर यहाँ पे देखिए वेट आ वेट नाउ लुक हियर नाउ लुक हियर नाउ लुक हियर बिकनी नो पिक्चर ऑफ द गैंग लेट्स से वन सेकंड ना वन सेकंड सर पीछे पीछे रहो यार साहब जी मैं फिर से लाइट चालू किया था ये भाई हमने लुकिया लुकिया मैम यहाँ पर राइट राइट सो आज मैं फीनिक्स मार्केट सिटी पे आई हूँ। यहाँ पे पावर वुमेन फिएस्टा चल रहा है और हैशटैग है एक खास वे व्हाट मैटर्स और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे आके हम लोग एक ही मैसेज स्प्रेड करना चाह रहे हैं कि औरतों को अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। और ख़ास करके जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया कि औरतें जो बाहर कामकाज करती हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उनके काम करते हुए भुला दी जाती हैं। विमेन जनरली व्हेन दे वर्क आउटसाइड ऑफ देयर होम्स उनके अंदर भी एक ये सोच होती है और परिवार के अंदर भी कि उन्हें आके घर भी संभालना है, खाना भी बनाना है, बच्चों की परवरिश के लिए भी वही जिम्मेदार हैं। ये खास करके भारत में होता है कि जब औरत बाहर निकल के काम करती है तो उसके काम को एक अलग दर्जे में रखा जाता है और बाकी घर के काम तो उसका एक अस्तित्व का हिस्सा है कि उसे घर का काम तो करना ही चाहिए। और अगर वो ना करे अच्छे से, अगर वो अच्छा खाना ना बनाए तो उसे टोटली जज किया जाएगा। सो आई थिंक दिस शुड चेंज। घर के सारे मेंबर्स को मिलजुल के काम करना चाहिए। सो एज द हैशटैग सेज वे व्हाट मैटर्स, व्हाट डज द हैशटैग मीन टू यू? हैशटैग वे व्हाट मैटर्स बहुत ही कमाल का हैशटैग बनाया है। आमतौर पे औरतें अपना वज़न देखती हैं, अपनी खूबसूरती से खुद की तुलना करती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि वो वैसे ही खूबसूरत हैं। उनकी शक्ल, त्वचा का रंग, बाल की लेंथ, लस्टर, वेट, उफ वेट सच अ बिग इशू, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो खुद से कितनी खुश हैं, क्या वो अपनी वैल्यू जानती है। हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और वो क्वालिटीज़ आपको हट कर अमेजिंग बनाती हैं। आप देखेंगे कोई बहुत सुंदर नहीं होगा, जो आजकल की सुंदर की परिभाषा है शायद उस परिभाषा पर फिट नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यू जानते हैं और जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो उसको हार्नेस करके आगे बढ़ते हैं, अपने पसंद के प्रोफेशंस चुनते हैं। बस उस पर ध्यान दो जो सच में मैटर करता है। वैली का नाम क्या है? तंसा ना? तंसा। प्रसाद ऑर्गेनाइजेशन जो कि तंसा वैली में काम कर रहे हैं, आई एम रियली रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द वर्क बिकॉज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिलेटिंग टू सैनिटाइजेशन, विमेन एम्पावरमेंट, सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करना ताकि लड़कियां नियमित रूप से स्कूल्स तक पहुँचें। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 रुपये का सैनिटरी नैपकिन ही तो है, लेकिन ये किसी की ज़िंदगी बदल रहा है। बच्चियाँ स्कूल जा रही है, कल को वो बाहर निकल के काम करेंगी। दीज आर विमेन एम्पावर्ड।
तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं उनके साथ यहाँ पे स्टेज शेयर कर रही हूँ. विद रिस्पेक्ट टू द हार्डशिप्स ऑफ अ डेली सोप, स्क्रूटिनिटी ऑफ सोशल मीडिया एंड बैलेंसिंग थिंग्स, आर देयर डेज व्हेन इट गेट्स टू मच फॉर यू एंड इफ यस व्हाट कीप्स यू गोइंग? अगेन प्लीज. So there are a lot of hardships being a TV celeb in daily soap, and you know there's social media. So how's the balance like for you, and you know what gets you going on the tougher days? Okay. सवाल ये है कि काम करते हुए अपने मुश्किल दिनों में मैं कैसे बैलेंस करती हूँ. इम्पॉर्टेंट ये दैट यू शुड ऑलवेज सेग्रीगेट योर वर्क फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपने काम को घर लेकर आएंगे और उसमें आप परेशान रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो घर का माहौल ख़राब होगा. और अगर घर की परेशानी अपने काम पर लेके जाएंगे तो काम का माहौल ख़राब होगा. स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. सो काम को और घर को अलग अलग रखो तो दोनों खूबसूरती से मैनेज होंगे. एंड विमेन आर मल्टी टास्कर्स. हाँ, तो काम के बीच में मैंने कई बार ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है कि वॉइस के स्टेज पे पीछे बैठी हूँ, एंकरिंग करने के लिए चढ़ने वाली हूँ और कुक को मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ फ़ोन पे, सुनो आज खाना ये बनना है, ये बनना है, और अरे सब्ज़ी मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ शॉट के बाद में, देन आई वुड कम डाउन आई वुड ऑर्डर सब्जीज एट्सेट्रा. वी कैन डू इट ऑल, लेकिन प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि अरे मैं इतना काम कर रही हूँ. नथिंग, एवरीथिंग इज मैनेजेबल.